परेशान हो गई थी जब हानिया ने मुझे फोन करके कहा कि निम्रा की तबीयत खराब है। ये जो बेटियां होती है ना, बड़ी अजीब चीज होती है। ये जब पास होती है तो इनका दिल चाहता है कहीं ना जाए, और जब आंखों से ओझल हो जाती है तो बहुत याद आती है। दोस्ती सही। अरे अरे नवाब साहब, आप क्यों तकल्लुफ करते हैं? आप तशरीफ रखिए। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आप कुछ तो लें। मैं बस पानी पी लूंगा, आप तशरीफ रखिए। जी। वैसे हानिया से रोज बातें होती हैं, एक एक करके दिन गिन रहा हूं। सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह आपके सब्र का इम्तिहान लेना चाहता था और अब वो इम्तिहान मुकम्मल होने को है। आमीन। और ये तो आप ही की मोहब्बत है बड़ी साई। दरअसल हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। तो झिझकिए मत, बिला झिझक बात कीजिए। हमारी हमशीरा जो कनाडा में रहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके साहिबजादे की फौरन शादी की जाए। तो अगर बड़े साईं के जहन में कोई हो, हम चाह रहे थे कि पहले से ही मुलाकात हो जाती तो बेहतर होता। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है बड़े साईं? लड़की तो घर में ही मौजूद है। आप यकीनन हानिया की छोटी बहन सानिया की बात कर रहे हो। अच्छी लड़की है, देखी भाली है, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी बीवी की छोटी बहन है। जी, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन नाजिश आंटी से बात करने की हिम्मत नहीं। वो हम कर लेंगे। आप यूं समझिए कि रिश्ता पक्का है। माशाल्लाह। अब तो मुंह मीठा करना ही होगा। जज़ाकअल्लाह। बहुत नवाजिश। तो फिर आपा जैसे आ जाती है मंगनी करवा लेंगे? मैं तो कहता हूं नवाब साहब, डायरेक्ट निकाह कीजिए। अच्छा, जैसे आपका हुक्म, बस आपा आ जाए फिर वो डिसाइड कर लेती है। आप बैठे, हम अभी आते हैं। आपकी तो किस्मत खुली हुई है, बड़ी बेटी नवाब साहब से ब्यादी है
और सुना है छोटी की भी वहीं हो रही है, फिर मुझे क्यों बुलाया? चाय पियो। शुक्रिया। वो हानिया की एक सहेली है, उसके रिश्ते के लिए परेशान हो जरा। ये लिफाफा दिया है ना तुम्हें, इसमें तस्वीर है उसकी। लड़की ने कहाँ तक पढ़ा है? हानिया के साथ ग्रेजुएशन किया है, अच्छी खूबसूरत बच्ची है। क्या लड़की को देख सकते हैं? नहीं, वो अपने मामू के यहाँ रहती है। क्यों, लड़की का कोई अपना घर नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है, अपना घर भी है, माँ बाप भी हैं, बस पढ़ाई के लिए रुकी हुई है। अच्छा, ये लो, ये 2000 रुपये रख लो, फिर जब रिश्ता दिखाओगी तो मैं खुद फाइनल करूँगी। और हाँ, तुम्हारी बकिया फीस और एक जोड़ा भी दूंगी जब रिश्ता तय हो। आपको कॉल करूंगी। जरूर। अब मुझे इजाजत है। ठीक, खुदा हाफिज़। खुदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, आप तैयार हैं? हाँ, घंटा तो लगेगा। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं निकलने से पहले आपको फोन कर दूंगी। जी जी, ओके, खुदा हाफिज। माशाल्लाह सब नॉर्मल है। माशाल्लाह। लेकिन एक अल्ट्रासाउंड करना होगा ताकि बच्चे की पोजीशन और मूवमेंट देखी जा सके। ठीक है, तो हम अल्ट्रासाउंड मशीन ही मंगवा लेते हैं। यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? देखिए डॉक्टर साहब, पैसों की फिक्र ना करें, यहाँ कोई भी चीज़ लाई ले जाई जा सकती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, उसके बाद शायद मुझे कुछ मेडिसिन चेंज करनी होगी। ठीक है, चले डॉक्टर साहब। चल, तुम यहीं बैठो, मैंने बाहर छोड़ के आ रही हूँ। अम्मी, आपने डॉक्टर को अकेला छोड़ दिया? नहीं नहीं, वो शबाना है ना, देख रही है वो। अच्छा भाई, किस कदर पुरसुकून जगह है ये, काश मैं भी साईं जी से कह के ना यहीं शिफ्ट हो जाती। अच्छा, और घर कौन देखेगा? अरे भाई, आती जाती रहती ना। तो अम्मी आप रुक जाएं, फिर डॉक्टर को भिजवा दें। अरे नहीं भाई नहीं, बहुत काम है, वो अल्ट्रासाउंड की मशीन भी लानी है, इसका अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। आप निम्रा के घर बरी लेके पहुंच गए? बरी कहाँ थी, बस दो चार जोड़े लेके गई थी। और मुझे बताया भी नहीं आपने। दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। तो शाम तो बहुत ही खुश होगा। तो होने दो खुश, मैं कौन सा सचमुच उसकी शादी वहाँ कर रही हूँ। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैंने वादा करने का कहा था, निभाने का नहीं। अम्मी निम्रा की जो भी हालत है ना, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हर इंसान अपना जिम्मेदार खुद होता है। चाहती ना तो अबॉर्शन भी करवा सकती थी। तो करवा लेती, और तुझे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं निम्रा की शादी बहुत अच्छी जगह करूंगी, उसका सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगी। तू ज्यादा वकालत न कर, अपनी देख। सानिया के लिए रिश्ता आया है नवाब साहब के भांजे का, बस तू जल्दी वापस आ, मैं वो घर बेच के कोई बड़ा घर लूंगी। अब घर क्यों बेच रही? अच्छा खासा तो है। एहतिशाम का रिश्ता तेरी ससुराल में हो रहा है, तो अच्छा और बड़ा घर तो होना चाहिए ना। अच्छा अब चल, मुझे काम बहुत है और उस डॉक्टर को भी वापस पहुंचाना है। अब जम क्यों गई है, चल ना, चल।
नवाब साहब से कह के यहाँ अमरूद के पेड़ तो लगवा दे। अरे पेड़ से अमरूद तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और है। ये लो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सानिया, ये भी तो हो सकता है कि वो रिश्ते वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हो। बुद्धू, वो मेरा रिश्ता लेकर क्यों आएंगी? वैसे भी अम्मी मेरा रिश्ता नवाब साहब के भांजे से तय कर रही हैं, तो मेरे लिए क्यों लेकर आएंगी वो रिश्ता? फिर क्या फुर होने वाला है एहतिशाम साहब? लेकिन अम्मी और हानिया बाजी ने तो मुझसे वादा किया है कि वो निमरा का रिश्ता मुझसे कराएंगी। अम्मी के वादे? तुम्हें हानिया बाजी और अम्मी ने लॉलीपॉप पकड़ाया था, अब वो निमरा का रिश्ता कहीं और तय करेंगी और तुम्हें कानों कान खबर ही नहीं होगी इसकी। क्यों सोच रहे हो, अब तो जागो। अब मैं क्या करूंगा? एक बात बताओ, निमरा तो तुम्हारे साथ है ना? हाँ। तो बस फिर समझो हो गया काम। क्या मतलब? अगर तुम कोई भी स्टैंड लेते हो तो निमरा को तुम्हारे साथ होना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट वो मुझे बहुत चाहती है। तो बहुत अच्छी बात है। देख, निमरा खुद बहुत अच्छी लड़की है तो उसके साथ भी अच्छा ही होना चाहिए। बस अम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। तू एक काम कर, अम्मी से जरूर पूछियो कि वो रिश्ते वाली क्यों आई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं और अब्बू कैसे? हम दोनों भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो, हानिया कैसी है? उसके चेकअप्स वगैरह तो हो रहे हैं ना? जी, वो ठीक है। अच्छा 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 सुनो, वो नाजिश बता रही थी कि डॉक्टर को यहाँ से लेके जाती है चेकअप करवाने के लिए, खुद ही वो उसे पिक करती है और फिर ड्रॉप भी करती है। जी। वाह भाई, बड़ी बात है। हाँ भाई, नवाब साहब ये सब अफोर्ड कर सकते हैं ना। अच्छा सुनो, नाजिश ना इतने बड़े बड़े दो सूटकेस भर के लाई थी तुम्हारे लिए, उसमें कपड़े, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, पता नहीं क्या कुछ है। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। अच्छा, और अपने अब्बू की सुन लो ना, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि नाजिश को मना करो, ये इतना तकल्लुफ क्यों कर रही है। अरे उनसे कहा भाई, हमने थोड़ी बोला, वो अपनी मर्जी से कर रही है और बेटियों की तरह समझती है वो हमारी बच्ची को। सही कह, वो आपके कहने से मना थोड़ी होंगी, बहुत जिद्दी। हाँ लेकिन एक बात तो है, नाजिश है बहुत अच्छी, उसने तुम्हें सिर्फ बेटी कहा ही नहीं बल्कि बेटी समझती भी है और मानती भी है। नाजिश से मुलाकात तो होती होगी ना तुम्हारी वहाँ पे? हाँ, हफ्ते में दो बार आती है। अच्छा 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 बेटा, ये बताओ के तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगी नाजिश के हाथ। क्या भेजेगी? तुम्हें आलू कीमा बहुत पसंद है ना, मैं बस वही बना के भेज दूंगी। नाजिश से ये बोल दूंगी कि एक दिन पहले मुझे बता दे ताकि सारा कुछ तैयार करके अपनी बेटी के लिए रख दूं। नहीं अम्मी, आके खा लूंगी। अरे कुछ नहीं होता ना बेटा, कह रही हूँ ना कि मैं बना दूंगी। फिर ज्यादा भेजना होगा, यहाँ चार लोग रहते हैं। हाँ, ढेर सारा बना के भेज दूंगी अपनी बेटी के लिए। ठीक है। निम्रा, सच पूछो ना, तो नाजिश के लिए मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अम्मी, मैं दोबारा फोन करूंगी तो अब्बू से भी बात कर लूंगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
काम हो रहा है? हाँ कुछ रीचेक कर रहा था। तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई? हाँ थैंक यू सो मच सानिया। एक बात बताओ, तुम इतने फजूल खर्च क्यों हो? फजूल खर्च? मैंने क्या फजूल खर्ची की? अभी जो तुम्हें 10,000 की जरूरत पड़ी थी, उससे पहले भी तुम्हें जरूरत पड़ चुकी है। क्या करते हो इन पैसों का? अम्मी जब बीमार थी, अबू ने उनके इलाज के लिए कुछ कर्जा सूद पे लिया था। वो कर्जा सूद पे चढ़ता रहा, दोस्तों से उधार लिया था उस कर्जे को उतारने के लिए, बस वही उतारा। सो सॉरी काशिफ। कोई बात। अच्छा चलो, 5 बज चुके हैं, ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है। हाँ चलते हैं। ऐसे मौसम अच्छा है ना? हाँ तो फिर क्या करें? चाट खाने चले? आइडिया बुरा नहीं है। अब कल ना खाने चाट? क्यों, अभी क्या हुआ है? असल में कराची के हालात की वजह से मैं अपना ATM घर पे रखता हूँ। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पास हैं पैसे, और अगर जरूरत पड़ी तो ATM भी है। चलो चलते हैं। वैसे चाट इतनी महंगी नहीं थी कि डेबिट की जरूरत पड़े। टॉन्ट कर रही हो? नहीं, इसे टॉन्ट नहीं, मजाक कहते हैं। चलो। जी नवाब साहब, क्या मुजफ्फर? या अल्लाह, कमरे की क्या हालत बना के रखी हुई, सारे मुलाजमीन पता नहीं कहां मरे हुए। शबाना, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर मियां, ये क्या हालत बनी हुई आपके कमरे की, हमें तो देखकर वहशत हो रही है। बेगम के ना होने का अच्छा खासा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं पापा, एक्चुअली रोज सोचता हूँ कि जल्दी उठेंगे और कमरे की सफाई कराएंगे, पर आप तो जानती हैं मुजफ्फर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह सवेरे उठना आपको गिरा गुजरता है, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपके यहाँ अब औलाद होने जा रही है, और बाप की उतनी ही जिम्मेदारी होती है अपनी औलाद की तरफ जितनी के माँ की। औलाद में बहुत सारी चीजें अपने माँ बाप से ट्रांसफर होती है, सिर्फ विरासत मिलना ही काफी नहीं है। वैसे भी मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वेकिंग अप अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी आप, आपका बिल्कुल दुरुस्त मशवरा है। आप हमारी बात सुनते जरूर हैं, उस पे ताईद भी करते हैं, लेकिन अमल करना पता नहीं जरूरी क्यों नहीं समझते। बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल। अच्छा ये बताइए कि आप हफ्ते में कितने दिन ऑफिस जाते हैं? जी पापा, बस 2-3 दिन चला ही जाता हूँ, पर आशिक अली है ना, सब कुछ देख लेता है, इनफैक्ट यहाँ घर पर भी आ जाता है। मुजफ्फर आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको आशिक अली जैसे वफादार मुलाजमीन मिले हुए, वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान है, वरना आप खुद सोचिए आपका बिजनेस अब तक रोड पर आ चुका होता। जी बस इसे कुदरत की मेहरबानी कहते हैं। कुदरत की मेहरबानी तो है, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज है कि कुदरत के इस तोहफे में अपना हिस्सा डालें। जी आपा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने हानिया को इतला दे दी? जी जी जी, मैंने कह दिया था कि कल आप आ रही हैं। बेहतरीन, लेकिन मुजफ्फर हमें ये बताएं, डॉक्टर को एकदम से क्या सूझी कि उन्हें फार्म हाउस पर भिजवा दे? नहीं आपा, वो दरअसल अल्ट्रासाउंड करवाना था ना। लेकिन अगर कल को एक्सरेज करने हो या कोई ब्लड टेस्ट करना हो फिर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ सकती है, मैं समझती हूँ कि यही वक्त होता है जब औरत को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है। कैसे फैसिलिटेट करेंगे आप अगर कोई इमरजेंसी हो जाए?
मुझे हमें सच सच बताइए, ये मशवरा क्या वाकई में डॉक्टर का था? पापा, दरअसल बड़े साईं का हुक्म था। Just as I thought. आप हमें ये समझाइए कि आप आज भी इन दकियानूसी ख्यालात में क्यों घुसे हुए? वो सब बहुत फेक है। दुनिया तरक्की करके चांद से आगे निकल रही है, यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रही है, और आप आज भी पीरी मुरीदी के चक्कर से बाहर ही नहीं आ चुके। बस ये भी जिंदगी का एक रुख है, बरसों से चला आ रहा है। अब्बा जान भी तो बिलीव करते थे। खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगे और इस बात पे बहस फिर कभी कर लेंगे। लाइए दीजिए। कोई बात नहीं, हम अपने काम खुद से करने के आदी हो चुके हैं। वैसे भी कनाडा में कौन से सर्वेंट्स अवेलेबल होते हैं? आप ये कनाडा नहीं है ना। अब कर लेंगे मुजफ्फर, प्लीज कमरा सफा करवाइए। परेशान क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम नवाब साहब को फोन कर दो और कह दो कि वो वहीदा आपा को आने से मना करती। मना कर रही ना, आपा के मुंह से निकली कोई बात नहीं रद्द करती। वो हमी को फोन किया, हमी का फोन मुसलसल बन जा रहा है। सानिया को फोन कर लो, वो अभी अभी ऑफिस से निकली है, ट्रैफिक में फंसी हुई है। कहते शाम का नंबर तो ऑन होगा, उसको फोन कर लो, वो साहब भी बाहर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वहीदा को कैसे फेस करूंगी? रांट किस्म की है। तुम परेशान नहीं हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तक बंद है, हो सकता है कि चार्जिंग पे लगा। हाँ सलामकुम मी। वालेकुम सलाम। मैं मुझे कोई जरूरी बात करनी है आपसे। मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, जरा लेके आ। पता नहीं किस किस का फोन आया होगा। अम्मी आपसे एक बात पूछनी है। आप निमिरा का रिश्ता ढूंढ रही हैं? तुझे किसने बताया? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हेलो हेलो अम्मी, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, मसलसल बन जा रहा है। अरे बेटा वो फोन मेरा चार्ज पे लगा हुआ था। हाँ बोल, क्या बात है? अम्मी कल वहीदा आप आ रही हैं। क्या? वो तो कनाडा में थी। अम्मी वो पाकिस्तान आ गई और कल अब वो यहाँ पे आ रही हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अरे तूने नवाब साहब से कहा नहीं कि बड़े सरकार ने सबके दाखिले पे पाबंदी लगाई हुई है? वो कब मानती हैं इन सब बातों को? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचती हूँ। कुछ करें आप प्लीज। हाँ हाँ तुझे बता दूँगी। रात चार्ज पे लगा था, सही से हुआ नहीं। अरे फराज मियां तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, निकाले। मामू आज नहीं, एक तो ट्रैवलिंग की थकन है, ऊपर से ये ऑयली फूड जरा अवॉइड करता हूँ। अच्छा तो फिर ये ट्राई करें। इट्स गुड, थैंक यू मामू। अरे अपनी अम्मी को भी खिलाएं। अभी खाते हैं।
आपको तो पता है जरा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम की वजह से हमें ऑयली फूड्स अवॉइड करने चाहिए। याद आया मुजुमिया, आपने फराज के लिए कोई मजबूत रिश्ता ढूंढा? नहीं जी, हमने नहीं ढूंढा। क्यों? क्योंकि रिश्ता यही घर में मौजूद है। हानिया की छोटी बहन सानिया। अच्छा, लेकिन इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं देखा आपने? अब सानिया बहुत अच्छी लड़की है। हम कतई इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो हानिया की छोटी बहन है। वाकई वो बड़ी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, और इससे ज्यादा हमारे फराज को क्या चाहिए। खैर, हम उनसे जॉब तो नहीं करवाएंगे, लेकिन देखते हैं। आप अगर आपको लगता है कि वो लोग हमसे हैसियत में कम हैं तो। नहीं 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 मुजफ्फर मियां, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है। बस क्योंकि फराज हमारी इकलौती औलाद है, इसलिए इतना जरूर चाहते थे कि इनके लिए रिश्तों का एक अंबार लगाओ। खैर कोई नहीं, सानिया को भी जरूर देखेंगे। हाँ देख ली, इनफैक्ट तुम खुद ही मिल लो ना। मामू मैं मिलूं या ना मिलूं, जब तक मॉम की अप्रूवल नहीं आती मैं फाइनल नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी शादी, इट्स अप टू बोथ ऑफ यू। वाह भाई बड़ी बात है। वो क्या है ना, मॉम को लड़कियां देखने की और आपको शादी करने की बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा वेरी फनी, ये ले प्लीज। जी नहीं नहीं अम्मी, मुझसे नहीं होगा। अम्मी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, आप समझने की कोशिश करें। अम्मी वो अब पाकिस्तान आ गई, उनका तो रोज यहाँ आना जाना लगा रहेगा। अम्मी मुझसे नहीं होगा। अच्छा सही है, मैं करती हूँ। मैं दीपिका से भी बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही है नाज़िश आंटी? यार अम्मी कह रही हैं कि हमें ड्रामा करना पड़ेगा। कैसा ड्रामा? मुझे प्रेग्नेंट बनना पड़ेगा। क्या ये क्या कह रही है वो? अगर उन्हें शक हो गया तो? यही तो डर लग रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे। यार तुम क्यों डरा रही हो? जो महसूस कर रही हूँ वही बोल रही हूँ। अरे दीपिका, उसका क्या करेंगी? हाँ अम्मी कह रही थी कि दीपिका से बात करो, उसे बताओ, उसे लालच दो। अगर दीपिका ने मुंह खोल दिया ना तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। निम्रा तुम दीपिका से बात करो ना, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी, तुम्हारी तो इतनी सुनती है वो। मैं कोशिश करूंगी, और अगर वो ना मानी ना तो मुझे मत कहना। यार तुम बात तो करो, मान जाएगी वो। आनिया मुझे डर लग रहा है, अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा, सामने वाले बच्चे का क्या होगा? क्या हो गया? तुम क्यों मायूस हो रही हो? तुम क्यों डर रही हो? अभी तक तो हम बचते आ रहे हैं, आगे भी अल्लाह कोई सबील पैदा करेगा। तुम मायूस मत हो, मायूसी तो कुफर के जमीन में आते हैं। चलो शाबाश, कुछ नहीं होता। अम्मी आपकी बात हुई साईं जी से? हाँ हाँ हो गई थी। वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई इस मामले में मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो वहीदा बेगम जो है वो उन्हें ढोंगी सरकार समझती है। फिर क्या, फिर वही करना पड़ेगा। नहीं अम्मी मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख भाई इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन तीन कुछ उल्टा सीधा हो गया तो
अरे तू बचपन में भी एक्टिंग करती थी ना जब स्कूल नहीं जाना होता था। मम्मी वो बचपन था, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत टेंस है। हाँ भी परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। अरे मेरे बस में होता तो तेरी नंद को कनाडा से पाकिस्तान आने ही ना देती। अम्मी निमरा भी बहुत घबरा रही है और मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अच्छा भाई निमरा से कहो कि वो बिल्कुल टेंशन न ले, उसकी हालत ऐसी नहीं है। मैं सोचती हूँ कुछ। अच्छा वो बासु, तूने वो मैडोना से बात की? निमरा कह रही है। अरे खुद करती ना, निमरा को क्यों कह दिया? अम्मी वो दीपिका निमरा से बहुत क्लोज है, वो उसकी सुनती है। चल ठीक है ये तो अच्छी बात है, लेकिन निमरा को भी नजरों से उजल करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, अगर आपा ने उसे देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे कि कौन है ये लड़की? तो वही तो कह रही हूँ मैं भी। आप मेरी इतनी बात क्यों मानती हैं? इसलिए कि आप बहुत अच्छी हैं, सबका ख्याल रखती हैं, सबसे अच्छे से मिलती हैं। आपसे एक बात कहूं? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अरे आप हुक्म कीजिए, मैं तो गुलाम हूँ आपकी। गुलाम नहीं, आप मेरी सहेली हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से मदद मांग रही है। अरे मांग कर तो देखेगी, तो पीका अपनी जान भी दे देगी। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। और से सुनिएगा, नवाब मुजफ्फर, मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। हानिया उनकी बीवी है। लेकिन मलका इतना बड़ा झूठ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तुम अपना ख्याल रखोगे, क्योंकि अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है। मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी ने तो हमारी शादी की बात भी कर ली होगी। बहुत जल्द मेरी अम्मी मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाएंगी।